हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप, हमारे एपटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जार एप्लीकेशन के बारे में। जार एप्लीकेशन में गोल्ड को ख़रीदा और बेचा जाता है, और बहुत छोटी सी अमाउंट से गोल्ड को बेचा और ख़रीदा जा सकता है यहाँ पे। और जार ऐप में क्या है, आप एक छोटी सी अमाउंट से बहुत बड़ी सेविंग भी कर सकते हैं। तो जार ऐप में आप गोल्ड खरीद लिया आपने, अगर विड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो विड्रॉ के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है कि आप अपने पैसे को विड्रॉ कैसे ले सकते हैं जार ऐप से। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, हम चलते हैं जार एप्लीकेशन के ऊपर। यह जार एप्लीकेशन है, मैंने जार एप्लीकेशन को ओपन किया। आपको डाउनलोड वगैरह तो सब कुछ कर ही लिया आपने। तो ये जार एप्लीकेशन है, ये ओपन हो रहा है। ये हर बार ये मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है, उसके बाद ये खुल जाता है। तो ये जार एप्लीकेशन खुल चुका है। तो दोस्तों, ये हमारा जार एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसके ओपन होने के बाद देखो, मैंने ये 2 दिन पहले ये 10 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, कि मैं देखना चाह रहा था कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, तो कितना मेरा गोल्ड आएगा इसमें 10 रुपये में। तो आप यहाँ पे देखो, यू ओन 0.0019 ग्राम, आपका 10 रुपये में इतना ग्राम गोल्ड आया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो मैंने पैसा लगाया था, मैं उसको वापस लेना चाह रहा हूँ। तो उसको वापस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये नीचे देखो, नीचे राइट साइड में लॉकर का ऑप्शन है। इस लॉकर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम देखेंगे सेल ऑप्शन और सेल हिस्ट्री। यहाँ पे क्या है, यहाँ सेल हिस्ट्री में तो ये दिखाएगा कि आपने कुछ सेल पहले भी किया हुआ है, कि वो सारा दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कुछ किया नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाएगा यहाँ पे। और सेल ऑप्शन में क्या आएगा कि आप इसको किस तरीके से वापस लेना चाहोगे, आप गोल्ड लेना चाहोगे 10 रुपये का, या फिर कैश इन बैंक लेना चाहोगे, कैश लेना चाहोगे। तो गोल्ड तो आएगा नहीं 10 का, क्योंकि ये इनकी कंडीशन है, मिनिमम गोल्ड बैलेंस रिक्वायर 0.5 ग्राम, मतलब 0.5 ग्राम अगर आपका गोल्ड है इसके अंदर, तो ही आप इसको गोल्ड के रूप में वापस आपके डिलीवरी हो सकती है। इसमें लिख रखा है गोल्ड डिलीवर एट योर डोर स्टेप थ्रू आवर पार्टनर, मतलब आपके घर पे गोल्ड ये डिलीवर कर दिया जाएगा अगर 0.5 ग्राम है तो, मतलब आधा तोड़ा है तो। अगर कैश आपको लेना चाह रहा है, कैश इन बैंक, तो आपका ये कैश इन बैंक आ जाएगा, ये तुरंत आ जाएगा। इसमें सेल गोल्ड एट द करंट सेल प्राइस एंड गेट कैश, ठीक है, गेट कैश डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट, ये तुरंत आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये फिर ऑप्शन आ रहा है इसमें, डोंट सेल और सेल एनीवे, ठीक है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये वापस कितना मिलेगा, वैल्यू ऑफ गोल्ड इफ़ यू सेल टूडे, ये है 9.11, 10 रुपये का मैंने खरीदा था, तो 9.11 मेरे को वापस मिलने वाला, क्योंकि इनके टैक्स वैक्स काट के ये मेरे को पैसा मिलेगा। तो मैं सेल एनीवे पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेल एनीवे पे क्लिक करने के बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई यू आर विदड्राइंग, आप क्यों यहाँ से पैसे बाहर निकालना चाह रहे हो। इसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए, इन पे किसी एक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट ऐप, हाँ ये भी कर सकते हो कि मैं केवल ट्राई कर रहा था। आई डोंट ट्रस्ट दिस ऐप, ये भी कर सकते हो। आई डोंट नो हाउ दिस ऐप वर्क, ये चीज़ें आप किस में भी कर सकते हो। तो मैं ये पहला ऑप्शन कर दूँगा, आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट द ऐप, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे क्या है, जितना आपका है उतना आप यहाँ पे वैल्यू भर दोगे। वैसे अपने आप आनी चाहिए ये वैल्यू, ग्राम में 0.,  हाँ सेल इन रुपीज, अगर आप सेल इन ग्राम में पैसे बेचना चाह रहे हो तो ये, तो सेल इन रुपीज में तो 9.11 ये आ गया। ठीक है, इसको अब हम ओके कर देंगे और यहाँ से नीचे ऑप्शन आ गया सेल का, सेल पे क्लिक कर देंगे। इंटर UPI ID, आपकी UPI ID है जो भी है वो आप यहाँ डालोगे, जैसे मैं अपनी UPI ID डाल रहा हूँ।
ये मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है यहाँ पे। यूपीआई आईडी डालने के बाद, यूपीआई डालने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना, विड्रा नाउ, विड्रा नाउ पे क्लिक कर देना है। ये अब फिर पूछ रहा है कि आप डोंट विड्रा करना चाह रहे हो, विड्रा एनी वे, तो यह क्या है, विड्रा एनी वे पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। विड्रा एनी वे क्लिक करने के बाद ये प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया, ये लिखा है योर विड्रा रिक्वेस्ट हैज बिन रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो आपकी विड्रा ऑप्शन कर लिया गया, मनी सेंड टू योर बैंक, आपके बैंक में मनी भेजी जा चुकी है, अभी पेंडिंग है, ये दिखा रहा है अभी पेंडिंग है, अभी गई नहीं है, फिर ये चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये आ ही गया मैसेज, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने सक्सेस हो चुकी है, ये मैसेज आ चुका है मेरे पास, देखो दोस्तों ये इतने पैसे 9.11 पैसे रिसीव हो चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे इसको इससे पैसा निकाल सकते हो। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ धन्यवाद।